साथ आयुषी शर्मा, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पूर्व पार्षद रफीक कुरैशी वार्ड नंबर 23 ने कहा था, जिस प्रकार सरकार ने 10% टैक्स बढ़ाया है यह सरासर गलत है और कोरोना की वजह से हर आदमी परेशान है। ऐसे में टैक्स बढ़ाना आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाना है। सर, अभी नगर निगम ने वर्तमान में 10% संपत्ति दर जो टैक्स बढ़ाया है, उससे जनता में क्या मैसेज आया? मैं रफीक कुरैशी, पूर्व पार्षद। इसमें जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि आज कोविड चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, जनता परेशान है, बेरोजगारी है, और बेरोजगारी इस हद तक है कि आज युवा बेरोजगार है, सारे कारोबार बंद है, और नगर निगम द्वारा जो 10% टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इसके पहले भी इन्होंने प्राइवेट कंपनी से लाखों रुपए दे के सर्वे कराया था, कंपनी को लाखों रुपए दिए थे और सर्वे करा के प्राइवेट मकानों का सर्वे कराए थे। आज फिर ये प्राइवेट कंपनी को भरपूर पैसे देकर सर्वे करा रहे हैं, जो कि सर्वे पहले भी हो चुका है, फिर सर्वे कराकर फिर महामारी के दौर में 10% टैक्स बढ़ाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। और हद ये है वार्ड प्रभारियों द्वारा, जो कच्चा मकान होता है उसके भी पक्के मकान के टैक्स लागे पहुँचाते हैं, चद्दर पोस्ट मकान होता है, कबेलू पोस्ट मकान होता है, लेकिन टैक्स ये बढ़ाकर पहुँचाते हैं। अगर 2000 स्क्वायर फीट का मकान है तो 3000 स्क्वायर फीट का टैक्स पहुँचाते हैं और बराबर वसूली करते हैं। ये चौथा वसूली नगर निगम द्वारा की जा रही है, जनता को परेशान किया जा रहा है, इसका तत्काल पूरे शहर में विरोध होना चाहिए, ताकि इस टाइम जो टैक्स बढ़ाने का समय नहीं है। आज पूरा शहर, पूरा देश, पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और ये टैक्स बढ़ा के जनता को परेशान कर रहा है, इसके लिए मैं विरोध करता हूँ। सर, आपने किसको ज्ञापन दिया था इस बारे में? मैंने संभाग महोदय को चिट्ठी लिखी है, नगर निगम आयुक्त महोदय को चिट्ठी लिखी है, इस समय टैक्स बढ़ाना गलत है, ये सर्वे पहले भी आप करा चुके हैं, इस टाइम आपको ये नहीं करना चाहिए। सर, इससे जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा? इसका सभी प्रभाव पड़ेगा, गरीब आदमी प्रभाव पड़ेगा और बड़े मकानों पर प्रभाव पड़ेगा। आज अगर आप देख रहे हो तो होटलों का कारोबार बंद है, गरीब आदमी जो रसीद कटवाता है 10 रुपये प्रति दिन की, एक ठेले वाला, आपने उसको 20 रुपये कर दिए, 30 रुपये कर दिए, 50 रुपये कर दिए, साथ गाड़ी का 100 रुपये कर दिए। आज तो महामारी का दौर है, ये समय पैसे बढ़ाने का नहीं है। सर, कहने की सरकार पेट्रोल के दाम भी बढ़ा ले लगातार, गैस के दाम बढ़ा रही है, कोरोना चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये सरकार तो अंधी हो गई है, गूंगी बहरी सरकार है, इनको कुछ दिख नहीं रहा कि कोरोना में कैसा हाल चल रहा है, कोविड में कितने परेशान है, और आज पेट्रोल 112 रुपये लीटर हो गया, डीजल 100 रुपये लीटर हो गया। वो हमारी बहन जो चूड़ियाँ पहनाया जाया करती थी, आज शायद जाके प्रधानमंत्री के बाजू में बैठी, उसको नहीं दिख रहा कि अब डीजल पेट्रोल के दाम क्या हैं। इसमें तो ईरानी अब रोड पर नहीं आ रही, अब चूड़ी नहीं बता रही। सर, कहने की जनता आने वाले नगर चुनाव में या 2023 में इसका जवाब देगी? जनता इसका जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। अब जनता को, जनता आज देख चुकी है, तो जनता डीजल पेट्रोल कोरोना सब देख चुकी है जनता, इन्होंने कैसे जो लोग मरे शमशानों में देख चुकी है, कब्रस्तानों में जनता देख चुकी है, क्या व्यवस्था सरकार ने की है, कोई व्यवस्था नहीं की। सर, आपकी अगर गरीब आदमी को जो अनाज इनको देना चाहिए था फिर इन्होंने अनाज तक नहीं बांटा। सर, आपकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे? हम विरोध करेंगे, हमारा काम विरोध करना, अच्छे से विरोध करेंगे, रोडों पे आके विरोध करेंगे। अभी तो ये परमिशन ही नहीं दे रहा है कि हम रोड पे आके धरना प्रदर्शन करें, डर के मारे विधानसभा नहीं बुला रहा है। कोरोना काल है, अरे विधानसभा बुलाए, जनता के मुद्दे तो पूछ ले कम से कम, धरने प्रदर्शन परमिशन तो दें, फिर पता चलेगा इनको क्या जनता कितनी परेशान है, हम बताएंगे इनको।